नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक स्वामी विवेकानंद मंदिर बेलूर मठ का शताब्दी वर्ष ऐतिहासिक स्मृति आज हम देखने जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन ने अपनी संस्था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 125वीं वर्षगांठ विगत वर्ष बड़े धूमधाम से और व्यापक रूप से मनाया। रामकृष्ण मिशन के विश्व के संपूर्ण केंद्रों में वर्षव्यापी विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, विभिन्न संगोष्ठियों और शिविरों का आयोजन हुआ और उसमें रामकृष्ण मिशन के अतीत, वर्तमान और भावी योजनाओं पर चर्चा हुई। रामकृष्ण मिशन की 125 वर्ष की संघर्ष यात्रा पर विचार विमर्श हुआ। वर्तमान विश्वव्यापी रामकृष्ण मिशन के प्रति जन समर्थन, लोक आस्था और सम्मान पर चर्चा हुई। दिसंबर 2023 में बेलूर मठ में अखिल भारतीय युवा सम्मेलन और रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के सम्मेलन का आयोजन किया गया। रामकृष्ण मिशन के आदर्शों को युवकों और भक्तों के अंतःकरण में सुसंचार करने का प्रयत्न किया गया। इसका उद्देश्य था युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण, जगत जननी श्री मां शारदा और युगाचार्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर जन समुदाय सुपरिचित हो। सर्वप्रथम वे अपने जीवन में उसे आत्मसात करें, उसका आचरण करें तथा समाज और राष्ट्र में सुख शांति समृद्धि और आध्यात्मिकता का प्रसार करें, जिससे स्वामी विवेकानंद द्वारा परिकल्पित भारत का स्वप्न साकार हो सके और भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो सके। इस वर्ष 2024 में बेलूर मठ में स्थापित दो मंदिरों स्वामी विवेकानंद और प्रथम संघाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी के मंदिर का शताब्दी वर्ष है। बड़ी विलक्षण बात है, व्यक्ति का शताब्दी समारोह मनाया जाता है, संस्थानों का शताब्दी समारोह मनाया जाता है, लेकिन मंदिर का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मन में प्रश्न उठता है कि क्या इस आयोजन की कोई प्रासंगिकता है? यह कौन सा मंदिर है? इसमें मंदिर में अधिष्ठित देव कौन से हैं? इनकी क्या भूमिका रही है समाज के विकास में? इन सब तथ्यों पर गहन चिंतन, मनन और प्रकाश का प्रयोजन है। आइए इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ, जिन मंदिरों की शताब्दी मनाई जा रही है, वास्तव में इन महान पुरुषों ने विश्व की दशा दिशा को परिवर्तित कर दिया, जनजीवन में एक नई क्रांति लाई, इसलिए उनका स्मरण, मनन, चिंतन आवश्यक है। वर्षों के अंतराल में पीढ़ियां अपने आदर्श पुरुषों को विस्मित कर जाती है। महान पुरुषों के जीवनादर्श पुस्तकों के पन्नों में या कुछ प्रबुद्ध लोगों तक ही सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन जनसाधारण को, अतिशिक्षितों को महान पुरुषों के स्मारक, मंदिर, स्मृति कक्ष, वेश और अवशेष ही प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। जनसाधारण इन्हीं से प्रेरित होता है। जनजीवन में पुनः उन आदर्शों की स्थापना होती है। समाज प्रेरित होकर पूर्ण उत्साह के साथ अपने आदर्शों की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन में उन नैतिक आध्यात्मिक आदर्शों को क्रियान्वित करता है और ऐसा करने को समाज को प्रेरित करता है। एक छोटा बच्चा जो अभी विद्यालय पढ़ने नहीं जाता है, वह भी मूर्ति देखकर पूछता है, यह कौन है? तब उसके माता पिता उसे बताते हैं। रायपुर की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक 2 वर्ष का बच्चा विवेकानंद सरोवर रायपुर मार्ग से अपनी माँ के साथ जा रहा था।
उसने सरोवर के बीच में एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी। उसने पूछा, माँ यह क्या है? उसकी माँ ने कहा, यह स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। उसने पूछा, ये कौन थे? माँ ने बच्चे के समझने योग्य स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया। उसी बच्चे ने आश्रम द्वारा विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में पाठ आवृत्ति प्रतियोगिता में सप्रसंग आवृत्ति सुनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं तो यह कह रहा था कि मूर्ति सबके लिए प्रेरक होती है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, वे कौन से दो मंदिर हैं जिनकी शताब्दी मनाई जा रही है? वह कौन सा व्यक्तित्व है जिनके मंदिर की शताब्दी मनाई जा रही है? इनमें जो पहला मंदिर है वह सर्वजन विदित और विश्व प्रसिद्ध युगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी का है, जो पावन भूमि बेलूर मठ में स्थित है। स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर की स्थापना बेलूर मठ के पवित्र परिसर में पावन कारिणी गंगा के सुरम्य तट पर 28 जनवरी 1924 को स्वामी जी की पावन तिथि में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी का यह मंदिर देश विदेश से आने वाले यात्रियों, उनके अनुयायियों और भक्तों में समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक जीवन यापन की प्रेरणा देता है। यह वही परिसर है जहां पर स्वामी जी ने निवास किया था। यह परिसर स्वामी जी के पादार बिंदों के रेणु सौरभ से सुशोभित और अलंकृत है। इसी परिसर में स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों और शिष्यों को सेवा और आध्यात्मिकता का अभिनव प्रशिक्षण दिया। इस परिसर में विद्यमान स्वामी जी का निवास कक्ष अभी भी वैसा ही है और उसमें उनकी विद्यमानता का बोध कर उसे प्रतिदिन वैसा ही सुसज्जित रखा जाता है जैसे उनके जीवन काल में था। ये सभी वस्तुएं दर्शकों के मन में स्वामी जी के गुणों की उद्दीपना करती है। लेकिन इसके अतिरिक्त स्वामी जी के मंदिर की स्थापना का बोध हृदय में अंतस्थल से हुआ, जो 1924 में साकार हुआ। गंगा तट पर अवस्थित इस मंदिर में प्रवेश करते ही दर्शनार्थियों को आध्यात्मिक स्पंदन का अनुभव होता है। बेलूर मठ में उनकी महासमाधि के बाद जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर उनके मंदिर का निर्माण हुआ। स्वामी जी की पूत अस्थियां वहां विद्यमान है। स्वामी जी जिस बिल्व वृक्ष के नीचे बैठते थे, वह बिल्व वृक्ष स्थल ही भी पृथक चिन्हित कर रखा गया है। स्वामी जी के मंदिर में प्रस्थापित स्वामी जी की प्रतिमा को देखकर उनके उद्दात विराट व्यक्तित्व और उनके गुणों का स्मरण होता है। मानो वह जीवंत प्रतिमा बोल उठेगी, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह मंदिर स्वामी जी के जीवन की संघर्ष यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में समाज के, भारत के विविध रूपों का दिग्दर्शन किया, जनजीवन के विभिन्न रूपों का अवलोकन किया, विभिन्न विषम परिस्थितियों का सामना और इसके अतीत जाकर हिमालय के कासार देवी, कश्मीर की क्षीर भवानी आदि में ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति की। स्वामी जी का यह मंदिर इन्हीं सब स्मृतियों को संजोए हुए है। प्रबुद्ध व्यक्तियों को एक ओर जहां स्वामी जी की बौद्धिकता और तर्क शक्ति आकर्षित करती है, तो दूसरी ओर राष्ट्रभक्त देश सेवा की प्रेरणा स्वामी जी से प्राप्त करता है। वही आध्यात्म पथ का जिज्ञासु आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त कर अपने को धन्य मानता है। स्वामी जी के मंदिर में प्रवेश करने पर ये सब स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। स्वामी जी की इच्छा। स्वामी विवेकानंद का यह मंदिर 2 मंजिला है, जिसमें नीचे उनकी श्वेत प्रस्तर प्रतिमा है और ऊपर
ध्यान हेतु संगमरमर की ओंकार की आकृति है। स्वामी जी ब्रह्मलीन होने के 3 दिन पहले मठ परिसर में अपने गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद जी के साथ टहल रहे थे। तब उन्होंने गंगा के किनारे एक निश्चित स्थान की ओर संकेत कर गंभीर भाव से कहा, जब मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा तब मेरा अंतिम संस्कार उस स्थान पर कर देना। स्वामी जी के इच्छानुसार उस स्थान पर स्वामी जी का यह मंदिर अवस्थित है। मंदिर का दुखद पृष्ठ। स्वामी जी का यह मंदिर जो आज संपूर्ण विश्व के प्रेरणा का केंद्र है, इस मंदिर के निर्माण की भी बड़ी मार्मिक गाथा है। स्वामी जी 4 जुलाई 1902 को ब्रह्मलीन हुए, किंतु उनका यह मंदिर 1924 में बना। स्वामी जी जैसे महान पुरुष का, जिन्होंने भारत के उत्थान के लिए अपने रक्त की बूंद बूंद तक को समर्पित कर दिया, भारतीय जनमानस को जागृत करने और भारतवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य हेतु अर्थार्जन हेतु विदेशों में अथक परिश्रम किया, फिर भी धन के अभाव में उन महापुरुष के समाधि मंदिर के निर्माण में 24 वर्ष लग गए। यह एक विडंबना ही है, प्रभु की इच्छा। इस मंदिर का निर्माण कार्य स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के 5 वर्ष बाद 1907 में प्रारंभ हुआ, परंतु निर्माण मंथर गति से चल रहा था। जब मंदिर निर्माणाधीन अपूर्ण था, तभी 1909 में स्वामी जी का विशाल चित्र सजा कर रखा गया। 1912 में भी जब मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका और निर्माण की गति धीमी थी, तो उसे देखकर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने दुखपूर्वक मराठा नामक पत्रिका में एक सूचना प्रकाशित की। स्वामी जी ने 10 वर्ष पहले देह त्याग किया था। इसमें कोई संशय नहीं कि उनकी मृत्यु से संपूर्ण देश की अपूर्णीय क्षति हुई है। लोगों ने इस संबंध में अपने यथेष्ट उद्गार भी व्यक्त किए हैं, परंतु क्या हम आधुनिक भारत के इस राष्ट्रभक्त सपूत के लिए अब तक उनकी स्मृति में एक स्मारक तक नहीं बना सके? यह बड़ी ही लज्जा का विषय है और भारतीयों की अकर्मण्यता का जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद भी भारतवासियों में जागृति नहीं आई। मंदिर में स्वामी जी का जो संगमरमर का चित्र है, वह उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता के प्रयत्न से सफल हुआ। इसमें स्वामी जी की सहयोगी श्रीमती लिगेट ने आर्थिक सहायता की। अर्थाभाव के कारण स्वामी जी की छोटी सी मूर्ति लगाने की योजना थी, लेकिन श्रीमती लिगेट ने स्वयं ही बड़ी मूर्ति लगाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव से निवेदिता ने प्रसन्न होकर श्रीमती लिगेट को लिखा, इतनी बड़ी मूर्ति बहुत ही सुंदर रहेगी। ऐसी मूर्ति के रहने से विवेकानंद का मंदिर बहुत ही भव्य दृष्टिगोचर होगा और इस घटना की युग तक प्रशंसा की जाएगी। मूर्ति निर्माण कहाँ और कैसे? स्वामी जी की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण भारत के जयपुर राजस्थान में किया गया। मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार के मनोभाव और उसकी स्वामी जी के प्रति श्रद्धा के संबंध में भी एक बड़ी विलक्षण घटना का उल्लेख मिलता है, जिसे भगिनी निवेदिता ने उल्लेख किया है। वे लिखती हैं, मूर्तिकार ने अपना कार्य प्रारंभ करने के पहले संगमरमर के पत्थर के समक्ष एक छोटी सी पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने उस संगमरमर पत्थर में विद्यमान स्वामी जी से बड़े ही कातरता से प्रार्थना की, हे स्वामी जी, आप कृपा कर मेरे हाथों से अभिव्यक्त हो जाइए। वे प्रातः 8 बजे से लेकर संध्या 7:30 तक लगातार कार्य करते हैं, केवल दोपहर में भोजन का अवकाश लेते हैं। उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया है कि यदि कार्य सबके लिए संतोषजनक नहीं रहा तो वे इसके लिए एक पैसा भी पारिश्रमिक नहीं लेंगे, वे सब रुपया वापस कर देंगे। स्वामी जी के मंदिर का कार्य स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज देख रहे थे। कहा जाता है कि वे उस समय स्वामी जी के चिंतन मनन में ही तन्मय रहा करते थे। उस समय वे सदा स्वामी जी के बारे में ही चर्चा करते
और उनका ध्यान करते थे। विज्ञानानंद जी महाराज उस समय प्रयागराज में निवास करते थे। वे प्रायः भारद्वाज आश्रम में जाया करते थे तथा वहां विराजित सप्त ऋषियों की मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को सप्त ऋषि मंडल से अवतरित ऋषि बताया था। विज्ञानानंद जी महाराज ने अपने कक्ष में सप्त ऋषियों का एक तैल चित्र रखा था। वे बार बार कहते थे, स्वामी जी तो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्वान है। यदि उनका निवास स्थान सप्त ऋषि मंडल में है, इन सब विषम परिस्थितियों और विलक्षण घटनाओं की स्मृति के साथ नीचे के तल में स्वामी जी की संगमरमर मूर्ति और ऊपर तल में ओंकार मंदिर 28 जनवरी 1924 को लोकार्पित हुआ, जो विश्व के दर्शनार्थियों में प्रेरणा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। दूसरे मंदिर की चर्चा अगले किसी अंक में करेंगे। जय श्री राम कृष्ण।